तो गर्मी नहीं हवा बहता है तो इसमें बैठा नहीं होता है, नहीं मजबूरी है बैठना पड़ेगा, पेट पापी पेट का सवाल है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ड्राइवर के लिए कुछ ना कुछ करे। कोई अफसर पकड़ लिया तो बोला कि चालान डेट फेल हो गया, इसका फाइन होगा। ड्राइवर का जितना मेहनत है उतना पैसा नहीं है, परिवार चल जाता है। इतना परिवार क्या चलेगा, ये मिला जुला के चलता है। अब गाड़ी चल रहा है, किसी को चंदा लेना होगा तो ज़बरदस्ती रोक के लेगा, कोई आदमी है कि प्रेम से लेगा। कभी गाली गलौज, बहुत गाली गलौज करता है, उतार के भी मारता है। बहुत उतार के भी मारता है, रोड में आप नहीं दीजिएगा शीशा फोड़ देगा चालक से। हाँ, ज़बरदस्ती बोलता है पैसा दो, नहीं दीजिएगा प्रशासन 2 घंटा 4 घंटा खड़ा कराएगी। तो हिट एंड रन का अगर नियम बनाते हैं तो सबका अलग अलग नियम होना चाहिए, अपना साइड से उसका रोड दे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हर पल की अपडेट जो है इस पेज के माध्यम से दिखाते रहते हैं। ऐसे में एक अलग कहानी जो है आपके बीच लेकर आए हैं, वही आपको बता दें कि ट्रक की जो कहानी होता है, जो ट्रक चालक होते हैं उन लोग कितना मुसीबत होता है और क्या कुछ को लेकर जो है ये लोग जो है निकल जाते हैं, दूसरे भी राज्य में जाते हैं। ऐसे में अभी गर्मी काफ़ी है और दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं सीवर वाली रोड में जो है अभी हम खबर संकलन करने जा रहे थे, इसी दौरान जो है एक ट्रक चालक मिल गए हैं और इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मधुवाहा माल। अच्छा, एक बात बताइए, कितना साल से चला रहे हैं आप ये गाड़ी? 6 साल से ये गाड़ी 6 साल से चला रहे हैं। 6 साल से। कितना की उम्र से जो है आप ट्रक चलाना सीख गए? मोटा मोटी वह 20 के आसपास में। अभी मेरा उम्र 31 साल हो रहा है। 31 जीवन यापन होता है ट्रक में आप चल? ट्रक में जीवन पहले जैसा ट्रक में अब नहीं है, अब लोग कोई वैल्यू नहीं है ट्रक ड्राइवर को। जीवन अब जैसे लोग जी रहा है उसे जानिए कि बदतर जीवन है ट्रक में चलना। एक तो उतना पैसा नहीं है, मजदूरी जितना होना चाहिए उतना मजदूरी नहीं है। वो गर्म में अब लेबर काम करता है बाहर, उसको 400-500 मिलता है, हम लोग को तो 300 पर 24 घंटा खटना है। 300 रुपये? 3000 रुपया हम लोग को कमीशन मिलेगा। 4-5 दिन लगता है, कभी 8-8 दिन लग जाएगा, तो हिसाब जोड़ के देखो रुपया हमको बचा है। गर्मी देखिए कितना है, गर्मी में हालत ख़राब हो जाता है। इसमें अभी तो हवा बह रहा है तो नहीं बुझा रहा है, ना तो गर्मी नहीं हवा बहता है तो इसमें बैठा नहीं होता है, नहीं मजबूरी है बैठना पड़ेगा, पेट पापी पेट का सवाल है। नहीं मेहनत करेंगे 10 रुपया नहीं होगा, लेकिन चलिए परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ड्राइवर के लिए कुछ ना कुछ करे। ड्राइवर के लिए कुछ नहीं सरकार सोचती है, हर चीज़ के लिए सरकार के ध्यान है लेकिन ड्राइवर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कितना घंटा चलाते हैं गाड़ी उसके बाद आराम? 24 घंटा जैसे 2-3 घंटा सोते हैं, नहीं तो कभी कभी 24 घंटा चलना पड़ता है जब ज़रूरी पड़ जाता है। समय है जैसे अब इसका चलान है, इसका टाइम होता है, अगर समय से नहीं गए अगर लेट हो जाएगा तो 2 गाली बात होगा। अगर कोई अफसर पकड़ लिया तो बोला कि चालान डेट फेल हो गया, इसका फाइन होगा। इसका कौन पकड़ता है? ये माइनिंग चालान है, तो माइनिंग वाला अगर पकड़ लेगा डेट फेल हो जाएगा तो इसका फाइन कर देगा। ये नहीं कहेगा कि मजबूरी है, चले ठीक है कहीं जाम है चाहे कहीं नींदे लग गया, 2-4 घंटा लेट हो गया तो इसको छोड़ दो, सो बात नहीं होता, इसका फाइन कर देगा। इसलिए समय पर हमको पहुंचना पड़ता है, चाहे जैसे पहुंचे, नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। संघर्ष का बहुत बहुत ज़्यादा संघर्ष है, पैसा के हिसाब से बहुत इतना जितना कष्ट है। 24 देखिए ड्राइवर का जितना मेहनत है उतना पैसा नहीं है, ड्राइवर का जितना मेहनत है उतना पैसा नहीं है। परिवार चल जाता है? इतना परिवार क्या चलेगा, ये मिला जुला के चलता है, परिवार इसे क्या चलेगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर से अपना जो है कि अब इधर से कुछ कहे कुछ घर परिवार से नहीं मिलाएगा तो कहाँ से चलेगा। परिवार इसे अकेला कमा करके इतना से क्या परिवार थोड़े चलेगा, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के लिए देखिए कितना महंगाई हो गया। अब महंगाई में अब एगो बच्चा को पढ़ाने जाइएगा सरकारी में तो कोई ध्यान है ना, प्राइवेट में पढ़ाइएगा एगो लड़का कम से कम 7000-8000 रुपये पढ़ाई का उसका चार्ज लगता है।
तब पाँच तीन परिवार, तीन गो बाल बच्चा है, तब तीन गो बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए तो कम से कम 15,000-16,000 रुपया तो पर मंथ लगता है। हम 15 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपया महीना कमाएंगे। बहुत हार्डेस्ट कमाएंगे तो 20 हज़ार कमाएंगे, ज़्यादा खूब मेहनत करेंगे तो 24 घंटा की ड्यूटी हम लोगों का। 24 घंटा में जो है कि 1-2 घंटा सोते हैं, तो बाकी दिन हम लोग का ड्यूटी है। ये ड्यूटी को अब निभाना पड़ेगा, पेट है तो इसको नहीं करेंगे तो पेट नहीं चलेगा। अच्छा, नाश्ता उस्ता में रंगदारी के भी बात सामने आते रहता है। अब किसी को, अब गाड़ी चल रहा है, किसी को चंदा लेना होगा तो ज़बरदस्ती रोक के लेगा, कोई आदमी है कि प्रेम से लेगा तो जैसे आप हो देगा। हम लोग का मालिक है, अब चंदा देंगे, अब यहाँ 500 खर्चा करेंगे तो लिखेंगे तो 500 मानेगा नहीं, तो यहाँ आप कहेंगे कि भैया नहीं मानता है तो ज़बरदस्ती आप ज़बरदस्ती कीजिएगा तो हमको देना पड़ेगा। मजबूरी है कि अब बाहरी है, अब वो मारेगा तो हमको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। गाली देता है तो बाहरी कह के भी गाली गलौज, बहुत गाली गलौज करता है, उतार के भी मारता है। बहुत उतार के भी मारता है, रोड में आप नहीं दीजिएगा शीशा फोड़ देगा। बहन चोत बोलता है, माधव चोत बहन चोत नहीं देगा, मारेंगे शीशा फोड़ देंगे। मजबूरी में देना पड़ता है कि आप 100 रुपये के चलते 5,000 नुकसान तो नहीं कर देंगे। ये चीज़ है, आप क्या कीजिएगा, मजबूरी में। आप एक बार बताइए, प्रशासन के आप लोग का सहयोग मिलता है कि नहीं? बिहार में अभी लगातार कोई सहयोग नहीं है प्रशासन का, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। प्रशासन तो दिन दहाड़े लूटता है, प्रशासन दिन दहाड़े लूटता है चालक से। हाँ, ज़बरदस्ती बोलता है पैसा दो, नहीं दीजिएगा प्रशासन 2-4 घंटा खड़ा कराएगी गाड़ी को। अच्छा, काहे मतलब कागज रहने के बावजूद? रहने के बावजूद भी अब उसका प्रशासन के सामने हम लोग को थोड़े चलेगा। जैसे आप अकेला है, वो 5 गोरे हैं तो 5 में आप एक अकेला का कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा? वो चाहेगा 2 घंटा खड़ा रहो, तो मजबूरी है 2 घंटा के चलते उसको देना पड़ेगा कि 2 घंटा हम समय यहाँ वेट करेंगे तो 2 घंटा में हम 100 किलोमीटर चला। 200 मांगता है बस। जैसे मतलब जैसे कि इस थाना से दूसरे थाना क्षेत्र में जाएंगे तो उस वक्त, हाँ जैसे अब थाना में खड़ा है तो ई वाला अगर 100 रुपया लेता है, 200 लेता है, जब जैसे आप कोई 100 रुपया लिया, कोई 200 रुपया लिया तो देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो रुकना खड़ा करा देगा तो चलान का समय हमारा फेल हो जाएगा। मजबूरी है, अब हम लोग कहते हैं तो मालिक भी सकारता है, अब जो हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अच्छा, एक जो है कुछ दिन पहले पूरे देश में हिट एंड रन जो एक अति कानून की बात कही जा रही थी, वो आ जाता है तो आप लोग कितना परेशानी? वो आ जाएगा तो हम लोग तो गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं चलाएंगे। सरकार बोल रही है कि ड्राइवर जो है उनके लिए बनवाए, ठीक है दिया है तो इसका नियम कानून बनाए, ठीक है बनाना है। तो हिट एंड रन का अगर नियम बनाते हैं तो सबका अलग अलग नियम होना चाहिए, अपना साइड से उसका रोड दे। जैसे ये रोड है, सिंगल रोड है, इसमें कहाँ जाएगा। तो हिट एंड रन का उसका सिस्टम बनाए, जैसे छोटा गाड़ी है उसका अलग सिस्टम है, बड़ा गाड़ी है उसका अलग सिस्टम है, कि छोटा गाड़ी के साथ बड़ा गाड़ी नहीं जाए, बड़ा गाड़ी के साथ छोटा गाड़ी नहीं जाए। कि हादसा होती है तो छोटा गाड़ी करता है गलत, लेकिन बड़ा गाड़ी को कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है जब उसमें हुआ है? तभी हम दोषी नहीं है तभी भी लोग पकड़ दम इसे आज 5 ये गाड़ी नहीं चला रहे थे, इसे पहले वाला गाड़ी चला रहे थे, आज 7-8 साल पहले हमारे साथ हुआ है धोखा। दूसरा आदमी मार के चला गया, हम उधर से आए, हमको रोक लिया, बोला उतार के, बोले तू ही मार, गाली के साथ? हाँ, गाली का मार रहा, वो बहुत बेहोश कर दिया था, हम भागा। हाँ, एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा आया तो हमको बचाया, वही उठ करके वहाँ बोले साइड से भाग गए। प्रशासन को फ़ोन किए तो प्रशासन बोलता हमारा हलमानी था पहने है ना, रमादार जो ड्राइवर है रहने दीजिए, हलमानी पहने थे। तो अब 100 लोग के बीच में एक आदमी को चलेगा थोड़े, हलमानी छीन लिया हमार, मारा भी। उसके बाद में उस प्रशासन को फ़ोन किए तो प्रशासन कह रहा है कि तू आओ, तुमको हम इलाज कराते हैं। हम कहे कि आपको यहाँ नज़दीक जाएंगे, हमका हलमानी दिवा दीजिए, हम आने के लिए आपको खुशी खुशी चलाएंगे, हमको कोई फांसी थोड़े दे देगा, हम गलत किए नहीं किए हैं, हम आएँगे। हम क्या चीज़ गलत किए हैं, मारा वो हम लोग को घेर के ज़बरदस्ती मारा, लेकिन इस चीज़ पर प्रशासन अथी नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। हाँ, वो पैसा पर बिक गया। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। गाड़ी घोड़ा जो है ना, ये ट्रक जितना, इस पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है, ड्राइवर का कोई
लाभ नहीं है। ड्राइवर का एक अलग संस्था बनाए सरकार, ड्राइवर का एक अलग संस्था बनाए, इसका कोई निदान होना चाहिए। इसका कोई अगर कुछ हो जाता है, कोई हादसा होती है, तो उसका बाल बच्चा का भरण पोषण होगा कैसे? एक अकेला कमा करके पूरा परिवार को चलाना मामूली समझते हैं। तो इसका कोई सरकार इसका निदान निकाले। नेता लोग आज है तो सबका अलग अलग सिस्टम है, लेकिन ड्राइवर में कोई सिस्टम नहीं है, कोई विचार नहीं है, इस पर कोई सरकार ध्यान ही नहीं देती है। कोई चर्चा सुनते हैं ड्राइवर के बारे में? जो है फिर से सरकार बनने वाली है, तो सरकार जो नया बनेगा उससे क्या कहना चाहेंगे? सरकार बनना चाहेगा, सरकार को बदलना चाहिए। हर हमारे कहने से हम लोग, हमारा अगर व्यक्तिगत सोच है कि हर 5 साल पर सरकार चेंज कर दो। इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? एकदम चेंज कर दो, हाँ एकदम चेंज कर दीजिए। 5 साल पर चेंज कीजिएगा तो हर मुद्दा को जो है कि एक न एक विपक्ष लेके आएगा, उस पर काम होगा। लोग जो है कि एक होकर 15 साल 20 साल रखता है उसका जो है कि अब अति मोटा है, तो इस पर ध्यान ही नहीं कोई देता है। तो सबको अलग अलग इसका सिस्टम बनाए, तब जो है कि सरकार पब्लिक को अति मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा। रोड हो गया, कोई सुविधा हो गया, चाहे कोई एक्टिव फैक्ट्री हो गया, स्कूल हो गया, हर चीज़ पर सरकार को ध्यान दिया है, ठीक है। लेकिन गाड़ी पर ध्यान दीजिए, इस पर ठीक है, इतना हादसा होता है, रोड के लिए ज़्यादा दिक्कत है। रोड अगर रोड सही रहता तो इतना हादसा नहीं होता। अब कोई कहाँ घुस जाएगा, कोई दाहिने से घुस जाएगा, कोई पीछे ही से मार देगा, अब उल्टा उतार के हमको मारने लगेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। जो है जो इसमें सामान है उसको लेकर कहाँ जाना है? ये जाएंगे राजेपुर लेकर। हाँ कितना घंटा? अभी यहाँ से मोटा मोटी 2-3 घंटा लगेगा। हाँ देखिए, हमारा जो है ट्रक चालक भाई थे, और इन्होंने अपना जो है जीवन में क्या कुछ बीतता है, क्या कुछ संघर्ष है, और काफ़ी जो है इन लोगों को जो है परेशानी का सामना जो है काफ़ी करना पड़ता है। और इन्होंने सरकार से भी अपील की है कि इन लोगों के लिए कोई नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, ताकि जो है इन लोग जो है निष्पक्ष होकर अपना काम धंधा में लगा रहे। और ऐसे ही तमाम खबर अपडेट दिखाते रहेंगे। और ट्रक चालक का कहानी कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जाइए, जय हिंद जय भारत।